कप्तान को इलेक्शन तो पहले इलेक्शन नतीजे ते खदशात मौलक पार्लियामेंट आई तो मुल्क संगे वड़ी बदकिस्मती हो सी पीपल्स पार्टी जिन जमातों की मदद के बगैर हुकूमत बने सो कल्ले हुकूमत ना बना सके तो अपोजिशन बहवे सो इमरान खान का वड़ा ऐलान मौजूदा हालात ताकतवर हुकूमत की जरूरत है। बीबीसी को इंटरव्यू आपको मजार कायद के ऊपर इंशाल्लाह हम आखिरी अपना सिंध का जलसा करेंगे। मैं सारे कराची के लोगों को कहता हूँ कि इसमें जरूर आए, इसमें शिरकत करें। तहरीक इंसाफ दा 22 जुलाई को कराची है जलसा। इमरान खान की कारकुना ते अवाम तो शिरकत की अपील आ क्या लुटमार तो सिंध के इदारे तबाह छी चुके हैं। सूबा खंडा ते गंदगी के ढेर बदल चुके हैं। मजारे कैद से ई दलदल तो निकलन का हल नसे सा। निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ दे इशारियां ते नचदी पई है। कारकुना की गिरफ्तारी ते इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशा ही बनिया रहा। नैब सिर्फ नून लीग को दीवार ना लावण की कार्रवाई करेंदा पे दबाव नाल उम्मीदवारां को त्रोड़िया गया। शफाफ इंतखाबात थे तो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ते वफाक च नून लीग की हुकूमत हो सी। शहबाज शरीफ की पिशावर च गाल मुहाड़ सरगोदाए च बोसीदा मकान की छत ढह गई। खातून डुबाला समेत जां बहाक पिशावर की दीर कॉलोनी च भी मकान की छत ढहण नाल पियू धी जां बहाक पुत्र जख्मी। जाहिर पीरे च 20 डीहां दे दौरान चोरी ते डकैती दिया एक दर्जन तो वध वारदातां। शहरी चिट्टे डी दे लुटी जान लगे अखीं दे कालियां पट्टियां बाते लोगों का अनोखा एहतजाज। डीपीओ रहीम यार खान तो नोटिस गिनाण दा मुतालबा कर दिता।